यहाँ पे बहुत सब अच्छा है, और भगवान करे मेरे को भी जल्दी सुनाई दे जाए। बस थोड़ा वो तो मेरे को लगा है कि सुन रहा है और उम्मीद है कि सुन जाएगा। तरुण नाम है मेरा, हम दिल्ली से आए हैं। हमने सर का नाम काफ़ी सुना था, काफ़ी लोगों ने सजेस्ट करा था, फिर मैंने यूट्यूब और कंप्यूटर पे इनके बारे में सर्च करा तो पूरी डिटेल मेरे सामने आ गई कि कैसे जो हम हारे हुए हॉस्पिटलों से बंदे हैं वो फिर कैसे उम्मीद लेकर आते हैं ये। तो अभी तक तो जो हमारा सफ़र रहा है बहुत अच्छा रहा है, और आगे भगवान की कृपा से और डॉक्टर साहब की कृपा से काफ़ी अच्छा रहेगा। और बस हम जैसे बंदों का, जो भी फैमिलीज हैं जो हम इतने पैसे खर्च नहीं कर पाते कि वो क्लियर करवा सकें, उनके लिए अच्छा माध्यम है। यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत बढ़िया है, डॉक्टर साहब जो भी कर्मचारी हैं जो भी सारे बहुत बढ़िया हैं। बाकी जो भी हमारी तरफ आए उनका भी अच्छे तरीके से इलाज हो और अच्छे से वो घर अपने जा सके और डॉक्टर साहब और इन सबको दुआएं दे सके, बस यही कहना चाहेंगे। ठीक है सर। वहाँ पर मुझे फिर आपका सहारा मिला तो इस वजह से मैं दिल्ली से अहमदाबाद आ गया हूँ खाली इलाज के लिए, जहाँ पर डॉक्टर ने कह दिया था कि अब कोक्लियर इम्प्लांट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे फिर मैंने आपका एक न्यूज़ चैनल पे प्रोग्राम देखा, उसके बाद फिर यूट्यूब पे मैंने आपकी वीडियोस देखी। तो किस तरीके से हम मिडिल क्लास फैमिली के जीवन में आप बहुत सारी ये जितनी भी परेशानियाँ वो दूर करने के लिए आते हैं, तो इससे फिर मैंने कुछ ही दिनों में टिकट्स करवाई और मैं यहाँ पर आ गया। तो अभी तक जो जो मेरा सफ़र रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है मेरी और मेरी फैमिली के लिए। थैंक गॉड टू यू एंड माई गॉड। ताकि और जो आज भी आगे मनीषा, हो, मनीषा नाम है ना, निशा निशा, जी आज निशा जी बिल्कुल सुनने लगी है, सुन रही है ना, गुड। सडन डे अपने साथ गई थी है ना, और अचानक सब सुनना बंद हो गया था, खूब अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चिंता मत करो, एकदम सही हो जाएगा। अभी आदत डालोगे नहीं वर्ड थेरापी की, पढ़ना लिखना समझना उसके लिए एकदम बढ़िया हो जाएगा। आप क्या बताए थे, आप एम्स में गए तो क्या हुआ था? एम्स में गए थे तो उन्होंने कहा कि कोक्लियर इम्प्लांट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आरएमएल हॉस्पिटल में एक हफ्ता में एडमिट रहे थे, अच्छा। लेकिन वहाँ पे भी कुछ फर्क नहीं आया था। तो अब हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ परसेंटेज तो आ ही चुका है। तो चिंता चिंता मत करो, आप अपने शब्दों का निर्माण करोगे तो ठीक है। शब्द सुनाई देने लगे ना तो उसकी चिंता की जरूरत ही नहीं है। यदि शब्द सुनती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनती हो तो अलग बात है। देखो आप सर एक काम करिए, थोड़ी अशब्दों के निर्माण करने की जरूरत है, वर्ड थेरेपी जरूरी है, मतलब सुनी हुई चीज को सुन के। ये बहुत वर्षों से लगता है इसको, कितने वर्षों से यही तकलीफ? ये सर इनको 2 साल हो गए। हाँ 2 साल से क्या शब्द भूल गई है? हाँ। तो अभी शब्द अभी जाएंगे, शब्दों का निर्माण होगा, सुनेगी वर्ड सुनेगी, अब फिर एक एक शब्द वापिस सीखना होगा। याद रखिएगा इतना इजी नहीं है काम का। हाँ मशीन लगाना चाहे तो लगा लेगी, पर अभी मत लगाइएगा मशीन 3 महीने तक, ठीक है? गुड, अब समझ में आ गया ना, सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगा।